आज मैंने बनाई है सिलबट्टे पर चटनी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर कुछ हरी मिर्चें ली हैं और यहीं पर मैं लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने अदरक लिया है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और एक मीडियम साइज़ में लिया है मैंने प्याज और हरा धनिया, और यहीं पर ले रही हूँ एक चम्मच ये जीरा। और देखिए, अगर आपको लहसुन और प्याज नहीं खानी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इनके बिना भी ये चटनी काफ़ी टेस्टी बनती है। अब मैं इस चटनी को ऐसे करके पीस लेती हूँ। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर मैं इसे कैसे पीस रही हूँ। इसे पीसने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये चटनी बनकर काफ़ी टेस्टी तैयार होगी। अब ये यहाँ पर मैं चम्मच से इकट्ठा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसमें हरी मिर्चें हैं, मैं हाथ से नहीं कर सकती हूँ, वरना हाथ में हरी मिर्च की जलन एकदम से आ जाएगी। और इसे धीरे धीरे करके मैं ऐसे पीस लूँगी, ये हमारी चटनी काफ़ी टेस्टी बनकर तैयार होगी। आप इस चटनी को जब उठाएंगे यहाँ से सिलबट्टे से, तो हाथ का यूज़ मत कीजिएगा। अगर हाथों का यूज़ करना है तो आप उसमें ग्लव्स का यूज़ कीजिएगा। और अभी तक हमने यहाँ पर नमक नहीं डाला था, तो अब हम नमक डाल रहे हैं। और मैं यहाँ पर कुछ नींबू का रस डाल रही हूँ। आपको अगर नींबू का खट्टापन पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, वरना इसमें नींबू का रस काफ़ी टेस्ट लाएगा, तो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हमने इसमें नमक और नींबू का रस मिक्स कर लिया है और इसको अब हम सर्व करेंगे। अब ये देखिए, मैं यहाँ पर इस चटनी को उठा रही हूँ। आप इसे किसी भी दाल सब्जी के साथ खा सकते हैं। अगर घर में दाल सब्जी भी बनी हुई नहीं है तो रोटी, चटनी और लस्सी के साथ भी इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो आप इसे जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं। ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी ही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।